हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज का जो सेशन होगा जो होगा एसपी पे, जहाँ पे अपन डिस्कशन करेंगे लास्ट ईयर का बोर्ड पेपर्स। और थंबनेल में तो ऑलरेडी मैंने दे दिया है बुक का जो स्क्रीनशॉट है, बट यहाँ पे वापस से डिस्क्लोज कर देता हूँ। बुक जूम करके देख लीजिए, ये वाला बुक आपको क्या करना है, बॉस रिफर करना है। ज़रूर रिफ़र कीजिए अगर आपको गुड मार्क्स स्कोर करना है, 90-95% तक जाना है, क्योंकि ये वाली बुक के अंदर आपको सभी चीज़ें, सभी लास्ट ईयर के बोर्ड पेपर्स आपको सॉल्व वाले मिलेंगे। कॉस्ट वाइज बात करूँ तो 672 रुपीज़ है बॉस। आप चाहो तो गूगल प्ले बुक्स है, उधर से ऑर्डर कर सकते हो, अमेजोन है, बाद में डायरेक्ट oswaldpublishers.com वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, रिफ़र कर सकते हो। मेरी मानो तो भाई मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होगी, बट दिस इज़ माई बेस्ट। मेरे हिसाब से बोलूँ तो ये बेस्ट है मेरे लिए, और मेरे लिए मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी मेरे को बोर्ड एग्जाम नहीं देना है, बोर्ड एग्जाम आप लोगों को देना है। 90-95% गारंटी है आ सकता है। अगर सपोज कि आप में कैपेबिलिटी है 80 लाने का, तो अगर ये बुक रेफर करो तो 90-95% ला सकते हो। क्योंकि आप जब भी फाइनल मैच खेलने जाते हो बोर्ड एग्जाम में, उससे पहले आपको क्या करना है, प्रैक्टिस मैच खेलना है, जो प्रैक्टिस में नथिंग बट आपके लास्ट ईयर के बोर्ड पेपर्स हो गए। क्योंकि आपको समझना है कि भाई एग्जामिनर पूछता कैसा है, आंसर लिखने कैसे है। तो ये वाली बुक के अंदर पहले क्या था कि लोग पहले सॉल्व वाले पेपर्स नहीं बनाते थे, अभी लोग ने सॉल्व भी क्वेश्चंस डाल दिए, मतलब क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर्स। बहुत अच्छी बात है ये। और नॉट ओनली आपका OC, SP, इकोनॉमिक्स, इवन दो आपको इंग्लिश भी मिलेगा यहाँ पे, आपको सेकंड लैंग्वेज जो होती है हिंदी मराठी, वो उसके भी क्वेश्चंस और आंसर्स आपको क्या मिलेंगे, मिल जाएगी ये वाली बुक के अंदर। तो ज़रूर रिफर कीजिए, रिकमेंडेड बुक है मेरे लिए। और 672 रुपीज़, आई डोंट थिंक 700 राउंड फिगर भी करूँ तो 700 इज़ वेरी मिनिमल अमाउंट फॉर मी। मतलब मेरे को तो चला गया बहुत मिनिमल है, क्योंकि आजकल के जनरेशन से वो पिज़्ज़ा खाने जाते हैं, टहलते टहलते पिज्ज़ा खा के आ जाते हैं, 1500 रुपये का उधर ही वेस्ट करके आते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि आप 672 के लिए हिचकिचाओगे। यस, चलो लेट्स स्टार्ट द सेशंस। और इसके अंदर से ही लास्ट ईयर का पेपर में से ही मैं सॉल्व करा रहा हूँ इस बार, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पूरा सिलेबस पढ़ा दिया है। आप देख सकते हो मेरे पूरा प्लेलिस्ट जाके देखोगे, वहाँ पे एसपी का पूरा सिलेबस दो दो बार पढ़ा है विथ एक्सरसाइज, ओसी का भी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है। तो मतलब सब चीज़ें मैंने वहाँ पे आपको सिखा दिया है, खाली आपको जाके रिफ़र करना है, देखना है। कुछ सिलेबस तो चेंज हुआ नहीं है, तो लास्ट ईयर के वीडियोज़ ही आपको क्या करना है, देखने हैं। कुछ भी डाउट हो तो उधर ही कमेंट सेक्शन में लिख गया कि सर मुझे ये डाउट है, आप प्लीज़ सॉल्व कीजिए। और जब भी दिसंबर आएगा, जैसे दिसंबर मंथ आ जाएगा, वहाँ पे लाइव सेशन शुरू हो जाएगा। बच्चे लोग डेली के लाइव सेशन हो गए, तो प्लीज़ अभी से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं और टेलीग्राम पे भी जुड़े रहिए, क्योंकि वीडियो की अपडेट्स और जनरली कुछ ना कुछ मुझे अपडेट सूझता है तो मैं वहाँ पे जनरली डाल देता हूँ। तो मेरा CA सीरेंग इंडिया नाम का ही चैनल है, वहाँ पे भी टेलीग्राम पे, उधर भी आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब करके रखना ही है और लाइक शेयर करके रखना है। यस, चलो पहला क्वेश्चन आया था, क्या था क्वेश्चन, लेट्स सी। कैपिटल मार्केट इज यूजफुल फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर्स। मतलब कैपिटल मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जो जहां से कंपनियों को कैपिटल के फॉर्म में पैसा मिलता है, वो मार्केट को सिंपल में बोलने जाओ, सिंपल और सोबर लैंग्वेज में उसको कौन सा मार्केट बोलोगे, कैपिटल मार्केट बोलूंगा। लेट्स सी, कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट दैट प्रोवाइड्स अ लोन फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। मतलब इट इज अ कंट्रोल बाय सेबी, यहाँ पे थोड़ा टाइपो एरर है, यहाँ पे लिख देना है सेबी, मतलब SEBI। कैपिटल मार्केट को पूरा कंट्रोल कौन करता है, सेबी कंट्रोल करता है। फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसको पूरा कंट्रोल करता है। और जनरली कैपिटल मार्केट में कंपनी इसलिए जाती है कि वहां से उसको लॉन्ग टर्म के लिए क्या मिलेगा, फंड मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना, कैपिटल मार्केट के अंदर जनरली कौन से फंड मिलता है, लॉन्ग टर्म के लिए फंड मिलता है। अपन देखते हैं कि बहुत सारी कंपनियां जो जस्ट लिस्टेड होती है, जैसे कि लास्ट एक दो साल में अपन देखा कि Zomato लिस्टेड हुई, Paytm लिस्टेड हुई, तो ये सब ने क्या किया, पब्लिक के हिसाब, क्योंकि उन लोगों के पास बिजनेस अगर एक्सपांड करना है तो उन लोगों के पास बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड था नहीं। अगर नेशनल लेवल पे पूरे इंडिया लेवल पे अगर आपको पहुंचना है तो भाई फंड की ज़रूरत है। तो उन लोग ने क्या किया, पब्लिक के पास से IPO के फॉर्म में, इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं, IPO के फॉर्म में कैपिटल क्या किया था, उठाया था। कैपिटल मार्केट डील इन द शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड एटेक्स्ट्रा। तो कॉर्पोरेट सेक्टर इश्यू दी सिक्योरिटीज, दी सिक्योरिटी मतलब ये सब क्या है, सिक्योरिटी है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड एंड एवरीथिंग इन द मार्केट, एंड अट्रैक्ट सेविंग फ्रॉम द इन्वेस्टर बाय ऑफरिंग देम अ वैरायटी ऑफ स्कीम। जनरली
अभी मैं बात करूं अगर एफडी में भी अगर आप पैसा डालोगे तो हार्डली ईयरली कितना मिलता है, 6-7%। कोई कोई बैंक ऐसी रहेगी जो 8% प्रोवाइड करते हैं, उससे ज़्यादा तो मेरी गारंटी है कोई भी बैंक 8% से ज़्यादा नहीं करती इंटरेस्ट रेट। ये बात किया एफडी का। सेविंग का तो उसका 0.5% ही गिन लो। अगर आप सेविंग में 1,00,000 रख रहे हो तो हार्डली 4%, मतलब पूरा साल में 4,000 मिलेगा आपको। एफडी में रखा तो 8,000 मिलेगा। बट अगर आप वही पैसा शेयर मार्केट में अगर अच्छे से कंपनी के अंदर या तो अच्छे से म्यूचुअल फंड की स्कीम के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको क्या मिल सकता है, अच्छा सा रिटर्न मिल सकता है। अगर मैं बात करूं बड़ी बड़ी कंपनीज की भी, रिलायंस एंड ऑल, तो वो सालाना मिनिमम 15-20% का क्या करता है, रिटर्न देता है। मतलब 1,00,000 का कितना रिटर्न मिलेगा, 20,000। मतलब कहाँ ना कहाँ डबल से ट्रिपल अमाउंट आपको क्या मिल सकता है। ये बड़ी बड़ी मतलब ब्लू चिप कंपनी में अगर आप डालोगे, रिलायंस टाटा एंड ऑल, वहाँ पे डूबने के चांसेस क्या है, कम है। और अपना ग्रोथ भी होगा इन फॉर्म ऑफ बात करूँ तो शेयर्स, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वो भी क्या मिलेगा, आपको ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू एफडी एंड सेविंग अकाउंट। तो हमेशा कॉर्पोरेट सेक्टर यही ट्राई करता है कि जो सेविंग है किसका, इन्वेस्टर का, हम लोग क्या करके खींच के लाए, मतलब अट्रैक्ट करते हैं इन टर्म ऑफ वेराइटी ऑफ स्कीम। दो दिस मार्केट कॉर्पोरेट्स इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट असेस अ लॉन्ग टर्म फंड फ्रॉम द बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन मार्केट्स। मतलब इन लोग नॉट ओनली इंडिया को ही अट्रैक्ट करते हैं, इंडिया के इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करते हैं। आज रिलायंस के अंदर मैं बात करूं तो भाई इंडिया के भी इन्वेस्टर्स है और फॉरेन के भी क्या किया है, इन्वेस्टर्स उसके अंदर हो गए। तो ये हो जाएगा आपका नथिंग बट कैपिटल मार्केट इज यूजफुल फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर। मतलब आपको सिंपल एग्जांपल एक्सप्लेन करना था कि भाई कैपिटल मार्केट क्यों यूजफुल है कॉर्पोरेट के लिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए फंड प्रोवाइड करती है और कंपनी के लिए भी इजीली आसान हो जाता है फंड कलेक्ट करना। और बहुत सारे वेराइटी ऑफ ऑप्शन है, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, म्यूचुअल फंड होगा, आप किसी की फॉर्म में भी क्या कर सकते हो, पैसा उठा सकते हो कैपिटल मार्केट से। सिंपल क्वेश्चन था, 4 मार्क के लिए पूछा, तो मेरे हिसाब से 4 पॉइंट इज ग्रेट इनफ। ये जब क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना बच्चे लोग, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज कान आग सब दिमाग खोल के सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे समझा रहा हूँ, कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में। यस, चलो नेक्स्ट हो जाएगा आपका, स्टॉक एक्सचेंज वर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। भाई आज तुम लोग को मालूम है कि नहीं मालूम है, आफ्टर हर्षद मेहता के केस के बाद में अगर बात करूँ, जो सीरीज आई थी उसके बाद इंडिया स्टॉक मार्केट भाई इतना फास्ट ग्रोइंग हुआ है, नो डाउट। अपना इंडिया इकोनॉमिक का जो अपने गवर्नमेंट का जो गोल है कि अपने को भाई 5 trillion इकोनॉमी बनानी है, उन लोग का क्या गोल सेट किया। अगर फॉर एग्जांपल गोल सेट नहीं करते तो भाई कोई भी टारगेट अचीव नहीं हो सकता। आपको अगर सपोज कि ग्रो करना है करियर वाइज भी, अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल 12th में भी आपका टारगेट अगर आपने सेट नहीं किया कि मुझे 90 लाना, 95 लाना, 85 लाना, अगर खाली मेहनत ही करते जा रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप वो मेहनत के लिए कुछ, मतलब आप कोई टारगेट के लिए मेहनत नहीं करो, अपने मर्जी से करो, पढ़ाई हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। अगर आपने टारगेट सेट किया कि भाई मुझे 90 लाना है, 95 लाना, तो भाई आपकी मेहनत भी उस तरह हो जाएगी। अगर आपके आपको टारगेट के 60 लाना, तो उसके एफर्ट्स भी आपको 60 की तरह हो जाएगा। तो प्लीज़ एटलीस्ट टारगेट सेट कीजिए कि मेरी कैपेबिलिटी कितनी है, कि लास्ट 10 साल से देखे रहे कि भाई मेरे ऑन एन एवरेज कितने परसेंट ले जाते हैं। भाई अगर मेरे ऑन एन एवरेज 70-80 के रेंज में आ रहा है, तो फिर आई कैन स्कोर 85 के लिए मैं जा सकता हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, कि जो बच्चा सोच रहा है कि मुझे हर साल 40 से आए तो मैं 80 कैसे ला पाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने डेडिकेट से अपना एफर्ट्स किया है तो आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा बच्चे लोग। तो आप अपना एफर्ट्स करते रहिए, रिवॉर्ड का चिंता मत कीजिए ज़रा भी। और जो भी डाउट है यहाँ पे हीरेन सर तो बैठे हैं, या 12th के बोर्ड के एग्जाम ले, कुछ भी डाउट हो तो मैं यहाँ पे आपको हेल्प आउट करने के लिए रेडी हूँ, वो भी क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा भी नहीं कि ऑफलाइन की तरह क्लास की तरह पैसा लूँगा उसके बाद आपको एडवाइस करूँगा। यहाँ पे सब चीज़ें, यहाँ पे आपको जो भी यूट्यूबर्स पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, वो जनरली यही चाहता है कि सभी बच्चे क्या करें, गुड मार्क्स स्कोर करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था स्टॉक एक्सचेंज की, भाई जो आज जो कंट्री का ग्रोथ अपन डिसाइड भी करते हैं कि भाई कंट्री ग्रोथ कर रही है, क्या कर रही है, तो वो स्टॉक मार्केट के बेस पे जनरली क्या होता है, डिसाइड होता है। तो इससे क्वेश्चन यही पूछा है कि स्टॉक एक्सचेंज वर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यस 100%, उस पर आंसर लिखना है। तो स्टॉक एक्सचेंज, पहले तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेस है, प्लेटफॉर्म बोल सकते हो, जहाँ पे शेयर्स की क्या होती है, डीलिंग होती है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग। यस, तो स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस वेयर द वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी आर परचेज एंड सोल्ड।
द स्टॉक एक्सचेंज हेल्प इन अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय स्पीडिंग द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एज वेल एज रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन इन इंडिया. आज तुम लोग को मालूम है कि नहीं मालूम है, सभी दूसरी कंट्री वाले यही सोच रहे हैं कि इंडिया एक ऐसी सेफ प्लेस है और जहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, पैसा दावा मतलब सत्ता लगा सकते हैं, कि जहाँ पे आज अपना ग्रोथ जो है, आज अपन कंट्री का अगर मैं 5-10 साल पहले की बात करूँ और अभी की बात करूँ, कंट्री ने बहुत अच्छे से क्या किया, ग्रोथ किया. इसीलिए अपन देख रहे कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम अपन टॉप, पहले टॉप 5 में आए, टॉप अभी टॉप 3 में है. कहाँ ना कहाँ अपना जो रैंकिंग है वो क्या हो रहा है, जनरली आगे हो रहा है इन टर्म ऑफ बात करूँ तो इकोनॉमिक्स के अंदर, मतलब ग्रोथ के अंदर. तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन लोग का टारगेट ये है कि अपन, उन लोग ने, गवर्नमेंट ने भी टारगेट सेट किया कि 2047 मतलब 2047 के अंदर अपनी कंट्री जो डेवलपिंग स्टेटस लगा है उसका डेवलप में कन्वर्ट हो जाए. किसके अंदर? डेवलपिंग. अपनी कंट्री क्या है अभी? डेवलपिंग कंट्री है. अपनी डेवलपिंग कंट्री के गवर्नमेंट का टारगेट कि डेवलपिंग का स्टेटस चेंज होके क्या हो जाए, डेवलप्ड विकसित भारत के फॉर्म में क्या आ जाए, स्टेटस लग जाए. तो उन लोग का स्ट्रगल यही है कि 100 साल में, क्योंकि अपना जो आज़ादी हुई थी अपनी कंट्री की जो थी 1947 मतलब 100 साल में ये टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने कि नेक्स्ट अभी जो 20 साल के बाद जो 2047 में जो जहाँ पे अपना 100 ईयर कंप्लीट होगा कंट्री का, तो उस टाइम पे तो एटलीस्ट अपनी कंट्री क्या हो जानी चाहिए, डेवलप्ड हो जानी चाहिए. तो उसके लिए सब लोग क्या कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं. इट हेल्प्स इन अ राइजिंग अ मीडियम टर्म कैपिटल एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनीज इन द इंडियन इकोनॉमी. मतलब स्टॉक मार्केट कहाँ ना कहाँ लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए जनरली हेल्प करती है कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को फंड रेज करने के लिए. न्यू इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल एंटरप्राइज कैन ईजिली अक्वायर द कैपिटल फंड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. इट रिफ्लेक्ट द हेल्दी फाइनेंशियल्स एंड इन्वेस्टमेंट कंडिसिव एटमोस्फियर इन अ इकोनॉमी. आज देख रहे हो कि सभी कंट्री स्टार्टअप खोलती है, 3 साल के बाद अपना टारगेट रखते हैं कि अपने को किधर लिस्ट होना है, स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट होना है. मतलब उनको भी मालूम है कि इंडिया से फंड इजीली मिल सकता है अगर आपने प्रॉपरली बिजनेस किया, 3 साल का बैलेंस शीट अच्छे से बनाया प्रॉपरली, मतलब ऐसा फ्रॉड वाला नहीं बोल रहा हूँ, मतलब प्रॉपरली जेन्युइन बिजनेस किया, जेन्युइन प्रॉफिट कमाया. तो ऑफकोर्स अगर आप मार्केट में उतरेंगे तो भाई पब्लिक क्या करेगी, ट्रस्ट दिखाएगी और पैसा इन्वेस्ट भी करेगी. तो आज जो न्यू इंडस्ट्रीज है, कमर्शियल एंटरप्राइज है, उनके लिए इजी हो गया कि इंडिया से पैसा आसानी से मिल जा रहा है. इट स्टिम्युलेट इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोडक्टिव सेक्टर विच एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस. थस इट इज अ राइटली सेड दैट स्टॉक एक्सचेंज वर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक्स. सिंपल एंड सिंपल लैंग्वेज में लोग ने क्या किया, एक्सप्लेन किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, जो होगा फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. ये मैं तुम लोगों को जब भी मैं लाइव सेशन देता हूँ और जब भी लेक्चर्स भी ले रहा था फर्स्ट चैप्टर का, जो आपका फिक्स इकोनॉमिक वर्किंग कैपिटल का, वहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन है. आपको लास्ट 4 से 5 साल का पेपर देख लेना, उसमें 3 से 4 बार मतलब आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब एग्जामिनर के लिए मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. लेट्स सी क्या लिखा है फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. देखो यहाँ पे तुम लोग को समझ में तो आ रहा है, फिक्स कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए लेने वाला है फिक्स्ड, और कंपनी किसके अंदर इन्वेस्ट करेगी, जो फिक्स असेट होगी उसके अंदर इन्वेस्ट करेगी, प्लांट एंड मशीनरी होगी, लैंड एंड बिल्डिंग होगी, वो हो गया फिक्स कैपिटल. वर्किंग कैपिटल क्या होगा, नाम में लिखा है वर्किंग, मतलब कंपनी को डे टू डे बिजनेस के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो कैपिटल को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, और ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, सर्क्यूलेटिंग कैपिटल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सर्क्यूलेटिंग कैपिटल भी बोलता है. तो ऑब्जेक्टिव इसमें आएगा तो 1 मार्क के लिए मिल जाएगा. तो ध्यान से सुनो, वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड है सर्क्यूलेटिंग कैपिटल. लेट्स सी मीनिंग क्या लिखा है. फिक्स कैपिटल रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल असेट दैट इज अ फिक्स असेट. वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द सम ऑफ द करंट असेट. नेचर इट स्टे इन द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली. ये वाला जो कैपिटल होगा जनरली परमानेंटली जब तक कंपनी बंद नहीं होगी तब तक तो रहे गए. यहाँ पे क्या लिखा है, वर्किंग कैपिटल इज अ सर्क्यूलेटिंग कैपिटल, इट्स कीप ऑन चेंजिंग, हमेशा क्या होता है चेंज होते रहता है. पर्पज की बात करूँ फिक्स कैपिटल कंपनी के अंदर क्यों चाहिए, भाई मैं बोला जैसे कि आपको प्लांट एंड मशीनरी बाय करनी है, बिल्डिंग बाय करनी है, इसलिए फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. इट इज अ इन्वेस्टेड इन फिक्स असेट्स सच एज लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट्स एटेक्स्ट्रा. वर्किंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म असेट्स सच एज कैश अकाउंट रिसीवेबल इन्वेंट्री एटेक्स्ट्रा. सोर्स लेट्स सी कहां कहां से पैसा मिल सकता है फिक्स कैपिटल का. जैसे कि मैं तुम्हें अभी बोला शेयर्स डिबेंचर्स,
जहां से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट से पैसा उठा सकते हो। फिक्स्ड कैपिटल फंडिंग कैन बी कम फ्रॉम द सेलिंग ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, लॉन्ग टर्म लोन एटेक्स्ट्रा। बट अगर मैं बात करूं वर्किंग कैपिटल को, तो शॉर्ट टर्म लोन है, तो डिपॉजिट हो गया, बैंक लोन हो गया, वहां से आप क्या कर सकते हो, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ले सकते हो। तो वर्किंग कैपिटल कैन बी फंडेड विद द शॉर्ट टर्म लोन्स, डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट एटेक्स्ट्रा। ऑब्जेक्टिव क्या होगा इन्वेस्टर का? अगर इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव है कि भाई मुझे लॉन्ग टर्म में रिटर्न चाहिए, क्या इन्वेस्ट करेगा? फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करेगा। और ऑफ कोर्स अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो पैसा रिटर्न भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, बट रिस्क भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यू नेवर नो। इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन अ फिक्स कैपिटल होपिंग टू मेक अ फ्यूचर प्रॉफिट। अगर उसको लग रहा है कि फ्यूचर में बहुत ग्रोथ अच्छा है तो वो आज क्या करेगा, वेट करेगा। बट नहीं, मैं वेट नहीं करना चाहता, मुझे आज पैसा डाला, दो महीने में रिटर्न चाहिए, तो मैं किधर इन्वेस्ट करूंगा, वर्किंग कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करूंगा। तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन अ वर्किंग कैपिटल फॉर गेटिंग अ इमीडिएट रिटर्न। इमीडिएट मतलब एटलीस्ट शॉर्ट पीरियड के अंदर। रिस्क की बात करूं तो यहां पे मैंने बोला रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल इंप्लाइज अ मोर रिस्क, यहां पे लेस रिस्क, बिकॉज रिटर्न भी क्या है, लेस है। तो यहां पे आप चाहो तो एक पॉइंट ऐड भी कर सकते हो, रिटर्न लेस, रिटर्न सॉरी मोर रिटर्न लेस रिटर्न। समझ में आया सर वीडियो लोग? समझ में आया बच्चे लोग? तो ये हो जाएगा बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे समझ में आया रहेगा। कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग दिस सेशंस और एसपी का, इकोनॉमिक्स का, ओसी का, बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखिए। और जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक कर दीजिए प्लीज़, और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, प्लीज़ अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।